अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो नव संकल्प चिंतन शिविर का आयोजन किया है, उसमें 3 दिन तक उदयपुर में देश भर के कांग्रेस के लगभग 400 से ज़्यादा नेता एकत्रित हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि AICC ने और सोनिया गांधी जी ने बहुत सोच समझकर इस नव संकल्प चिंतन शिविर को बुलाया है, एक बहुत महत्वपूर्ण समय पर बुलाया है, क्योंकि 2-3 राज्यों के चुनाव इस साल हैं, अगले साल कुछ राज्यों के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव भी अब 2 साल के बाद होने वाले हैं। ये बात सच है कि देश में NDA और भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर, एक नेशनल लेवल पर अगर कोई चुनौती देकर हरा सकता है तो वो पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हमारे जो सहयोगी दल हैं उन सबको साथ लेकर हम लोग ऐसी रणनीति बनाना चाहते हैं कि देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान भटकाकर केंद्र की सरकार लोगों को भ्रमित करने का काम लगातार कर रही है। केंद्र की सरकार को, भाजपा को अब 8 साल पूरे हो गए। इन 8 सालों का लेखा जोखा, उसका श्वेत पत्र, उनके परफॉर्मेंस रिपोर्ट, वो आधार होनी चाहिए भाजपा को आगे अपनी राजनीति करने के लिए। लेकिन आज जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, आज महंगाई चरम सीमा पर पहुँच चुकी है, आज छटनी हो रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं, देश में एक तरह की मिसमैनेजमेंट व्यापक हो चुकी है, बजाय उसका जवाब देने के या अपनी कार्यप्रणाली को ठीक करने के भाजपा की राजनीति रही है कि देश में हमेशा आरोपी राजनीति करें। आज भी गैस का सिलेंडर जो 1000 रुपये का हो गया, पेट्रोल डीजल 125 रुपये लीटर पहुंच गया, खाने के सामान की चीज़ें महंगी हो रही हैं, आज भी वो पीछे मुड़कर UPA सरकार को, मनमोहन सिंह जी को और कांग्रेस पार्टी को दोष देते हैं। इन 8 सालों में आपने क्या वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की है उसका कोई जवाब आता नहीं है। इस चिंतन शिविर के माध्यम से अलग अलग समितियां बनी हैं। राजस्थान से मुझे जो आर्थिक समिति बनी है उसका मैं सदस्य हूं और हम लोगों ने, चिदंबरम जी इसके संयोजक हैं समिति के, हमारी 2-3 मीटिंग हुई हैं और मीटिंग्स में हम लोगों ने जो चर्चा का विषय है उस पर विस्तार से हम लोगों ने संवाद किया है। और जो इकोनॉमिक इशूज़ हैं, और मैं समझता हूँ जो नौजवान वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, जो आज इस आर्थिक अव्यवस्था का शिकार है, उन लोगों की आवाज़ बनकर हम सड़कों पर आएंगे, देश में वास्तविकता का जो परिचय है वो केंद्र सरकार को करवाएंगे और कांग्रेस पार्टी का अगले आने वाले समय में क्या रोड मैप रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या ब्लूप्रिंट हम तैयार करेंगे। संगठन को लेकर बहुत चर्चा होगी, अर्थव्यवस्था जैसे मैंने कहा हो रही है, किसानों को लेकर चर्चा होगी और नौजवानों के लिए भी हम लोगों का जो कांग्रेस का शुरू से एक दायित्व रहा है ऐतिहासिक रूप से कि युवाओं को राजनीति की अग्रिम पंक्ति पर लाकर खड़ा करना, ये काम कांग्रेस के नेतृत्व ने हमेशा से किया है। इस दृष्टि से ये उदयपुर का जो नवसंकल्प चिंतन शिविर है बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे AICC ने कई बार कहा, ये सिर्फ इस संवाद का या सिर्फ पेपर तैयार करने का या चर्चा का शिविर नहीं है, ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड, आउटकम ओरिएंटेड, एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ कांग्रेस को रीएनर्जाइज करने के लिए, और भाजपा ने, जो जनता ने 2 बार मौका दिया है केंद्र सरकार को, पूर्ण बहुमत की सरकारें बनी हैं, कांग्रेस की सरकार हमेशा कोलिशन सरकार थी, बहुत दबाव आते थे सरकार को चलाने में क्योंकि कोलिशन पॉलिटिक्स का ज़माना था, भाजपा को स्पष्ट बहुमत के बावजूद भी जिस प्रकार का उनको गवर्नेंस करना चाहिए था वो हर मोर्चे पर फेल हुए हैं। तो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाना, कोलिशन राजनीति में कैसे NDA को चुनौती देना और कांग्रेस को और सशक्त करना, क्योंकि राजनीतिक चुनौतियाँ जो सामने आने वाली हैं उसका मुकाबला करना, जनता का विश्वास जीतना, इन तमाम इश्यूज पर चर्चा होगी। और हमें खुशी है, मुझे खुशी है कि एक बार पुनः राजस्थान को चुना है इस AICC के शिविर को करने के लिए। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, हम सब यहाँ पर एकत्रित होंगे और देश भर के, जैसे मैंने कहा, 425 से 420 हम सब नेता इकट्ठा होंगे। और इसमें एक जो बात मैं रेखांकित करना चाहता हूँ कि लगभग आधे जो डेलीगेट्स हैं उनकी उम्र 40 साल से कम है, तो युवाओं को प्राथमिकता दी है ताकि जो ग्राउंड का फीडबैक है वो सीधा उन युवा नेताओं से लें जो देश में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण भारत से, जहाँ से भी हमारे युवा साथी आते हैं, अग्रिम संगठन के लोग हैं, प्रवक्ता हैं, उन सब से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर अपनी आगे की रणनीति को तैयार करने में ये शिविर बहुत अहम साबित होगा। और मुझे लगता है कि इस शिविर के पश्चात जल्द संगठनात्मक जो चेंजेस सरकार को, पार्टी को करने हैं वो भी करेंगे, एक नई ऊर्जा का संचार होगा और हम सब लोग जो कांग्रेस के लोग हैं, हमारे सब साथी सहयोगी हैं, हम सब मिलकर आने वाले तमाम विधानसभा के चुनाव और अंत में जो 24 में लोकसभा चुनाव होगा उसके तैयारियों पर पूरा अभी से हम प्रिपेयर करेंगे। और पब्लिक को बहुत उम्मीद है, जनता भी एक चाहती है कि भाजपा के शासन से मुक्ति कैसे मिलेगी।
एक या दो राज्यों में चुनाव जीतने से मतलब ये नहीं है कि भाजपा को क्लीन चिट मिल गई है, उनके सारे पाप धुल गए हैं। जिस प्रकार से एक आक्रामक राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, जाति धर्म बिरादरी के नाम पर लोगों को उकसाया जा रहा है, देश के अनेक राज्यों में अलग अलग वारदातों को अंजाम दिया जाता है, उसकी निंदा कोई करता नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोग भी चाहते हैं कि अमन चैन प्यार मोहब्बत बरकरार रहे, अर्थव्यवस्था सुधरे, रोज़गार लोगों को मिले, देश और दुनिया की जो प्रतिष्ठित संस्थाएँ हैं, सरकार के खुद के आंकड़े हैं, वो कहते हैं कि भुखमरी में भारत का जो रैंक है लगातार बढ़ता जा रहा है, फ्रीडम ऑफ प्रेस में जो हमारा रैंक है उसमें गिरावट आई है, कुपोषण में हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जो NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है उसमें तमाम बातों का जिक्र किया है। सरकार के खुद के आंकड़े बताते हैं कि इकॉनमी एक टेल स्पिन में जा चुकी है। मुझे याद है कोरोना काल में केंद्र की सरकार ने घोषणा करी थी कि 20 लाख करोड़ रुपए का एक आर्थिक पैकेज है, स्टिमुलस पैकेज हम लोग देंगे, वो 20 लाख करोड़ रुपए गए कहाँ, किस उद्योग को मिले हैं, किस मध्यम वर्ग को मिले हैं, और केंद्र की सरकार लगातार जो हमारे देश की राष्ट्र संपत्तियाँ हैं उसको बेचे चली जा रही है। जब भाजपा विपक्ष में थी तो डिसइन्वेस्टमेंट का विरोध किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का DBT का विरोध किया, आधार का विरोध किया, GST का विरोध किया, इंडिया US न्यूक्लियर डील का विरोध किया, उन तमाम बातों पे अब पूरा 180 डिग्री टर्न ले लिया है और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं आधार पे, GST पे, DBT पे, FDI डिफेंस पे, इन तमाम मुद्दों पर कोई जवाब नहीं है। इन शिविर के माध्यम से हम सब सवाल पूछेंगे और बताएंगे कि इन लोगों ने हर जगह दोहरे मापदंड अपनाए हैं। इसलिए जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रेलवे है, एयरलाइंस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, कोल कंपनियां हैं, बिजली कंपनियां हैं, उन सब का आप लगातार बेचते चले जा रहे हैं और चंद लोगों के फ़ायदे के लिए बेच रहे हैं। आज बिजली संकट देश में आ गया, क्या भारत सरकार को पहले तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? अगर आपको कोल आयात करना है उसकी परमिशन पहले नहीं देनी चाहिए थी? तो मैनेजमेंट जो है इकोनॉमी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो लगातार बिखर रहा है। और इस उदयपुर के समावेश में हम जो बैठेंगे हम सब लोग, पूरा देश देख रहा है कि हम लोग आगे आने समय में कैसे भाजपा को चुनौती देते हैं, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, अलग अलग कमिटीज़ का अपना काम पूरा हो रहा है और 15 तारीख को एक जॉइंट ड्राफ्ट पेपर तैयार होगा जिसको CWC उसका अनुमोदन करेगी और फिर वो जनता के सामने पेश किया जाएगा। सर, आपने यूथ की जो बात कही थी, किस तरह के चेंजेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पार्टी में? क्योंकि अभी जो डिस्कशन के बाद क्या उसका निष्कर्ष निकलेगा मैं वो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो विषय है, जो कमिटी है, उसका जो गठन हुआ है, उससे आप समझ सकते हैं कि क्या हमारे को जो इश्यूज़ हैं क्या हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और डिस्कशन से पहले एक परिणाम क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो मैंडेट हमको दिया गया है, उसमें फीडबैक लेकर हमारी पार्टी का, हमारे नेताओं का, हमारी पॉलिसी मेकिंग का, हमारे आने वाले समय में जो हमारा स्टैंड रहेगा अलग अलग इशूज़ पर, वो क्लैरिटी आनी चाहिए। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ जनता चाहती है कि भाजपा का तो स्टैंड जानते हैं, हमारा क्या स्टैंड क्लियर होगा उन इश्यूज पे, उन तमाम चर्चाओं को अंजाम इस शिविर में दिया जाएगा। ई कॉमर्स बिजनेस करने का मन तो बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट्स के जो दाम Amazon और गूगल पर नजर आ रहे हैं, उससे कम में प्रोडक्ट्स मिलना मुश्किल लग रहा है। ये और ऐसी कई सारी मुश्किलों को चलो चुटकी में आसान बनाते हैं। चलो आज आपको deodep.com से मिलवाते हैं, जहां आप बिना बल्क परचेस किए पा सकते हैं दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट से आधे दाम पर सामान। और deodep के पास इतना स्टॉक है कि आपकी डिमांड खत्म हो सकती है, पर उनका स्टॉक नहीं। इसी के साथ आपकी हर समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए जबरदस्त कस्टमर सपोर्ट टीम, इसी के साथ वेबसाइट से लेकर फोटोज तक की सारी वो मदद जो कि आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए चाहिए, आपको एक ही जगह मिल जाएगी और वो है deodep.com। सोची मत, अभी इंक्वायरी कीजिए।